देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड स्पेशल, योगी का ऑपरेशन पाताल लोक एक्सक्लूसिव। अतीक गैंग की गॉडमदर अब गैंग लीडर शाइस्ता सदमे में आ गई। उसने बेटे की मौत के बाद पति और देवर की मौत पर जितने आंसू नहीं बहाए उससे इतना आंसू अब बहा रही है, क्योंकि काली कमाई से खड़ी की गई अतीक की अरबों की प्रॉपर्टी भी अब मिट्टी में मिल रही है और शाइस्ता खाली हाथ की नहीं बल्कि पूरी तरह बर्बाद होने वाली। फरारी काट रही शाइस्ता अतीक की नामी बेनामी संपत्ति को अपने नाम करा पाती, उससे पहले ही योगी सरकार का ऑपरेशन पाताल लोक उन्हें खाक में मिलाता जा रहा है। आइए देखते हैं सीक्रेट ठिकाने पर छिपी शाइस्ता को यह बड़ा सदमा कैसे लगा और कैसे लिखी गई उसकी बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं। अतीक की मोस्ट वांटेड डीवी शाइस्ता भागती फिर रही, बेटे जेल और बाल सुधार गृह में, और अब अतीक की काली कमाई के दम पर खड़े किए गए रियल एस्टेट कारोबार पर एजेंसियों का चाबुक चलने लगा है। अतीक के करीबी लोगों पर नकेल कसी जा रही। अतीक अहमद से जुड़े बिल्डर्स थे जिन्होंने बेनामी जो है प्रॉपर्टीज को अवैध तरीके से खड़ा किया था, उस पर अब कार्रवाइयां हो रही है, उन बिल्डर्स को सील किया जा रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उसका आर्थिक साम्राज्य भी तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैले अरबों रुपए के रियल एस्टेट के कारोबार पर धीरे धीरे ग्रहण लग चुका है। काली कमाई के दम पर खड़े किए गए अतीक के अरबों के रियल एस्टेट कारोबार पर अब ग्रहण मंडराने लगा है और अब जल्द ही दफ्न होने वाली काली कमाई की अतीक की यह सल्तनत। एक तरफ ईडी ने अतीक गैंग से जुड़ी प्रॉपर्टीज की छानबीन तेज कर दी है, दूसरी ओर माफिया के करीबी बिल्डर्स पर भी गाज गिरने लगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम के अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। लखनऊ में अतीक अहमद से जुड़े बिल्डर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एलडीए ने मोहम्मद मुस्लिम की एक बड़ी बिल्डिंग को सील किया है। शारदा नगर खंड में बड़ी सी इमारत आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा बकायदा लिखा है कि एलडीए द्वारा सील 30/5/2023 को। ये बिल्डिंग जो है ये बहुमंजिली इमारत है जिसमें एक गेस्ट जो है बैंक्वेट हॉल चल रहा था, इसे सील किया है 30 तारीख को एलडीए ने। ऐसे ही 12 बिल्डर्स जो है जो अतीक के बेहद करीबी थे उनके प्रॉपर्टीज को, रो हाउसेस को, गेस्ट हाउसेस को और बैंक्वेट हॉल्स को सील करने का एलडीए ने काम किया है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ में 12 अवैध कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट का निर्माण जो है वो मोहम्मद मुस्लिम जैसे जो करीबी बिल्डर्स हैं अतीक के, उन्होंने कराया था। इसके अतिरिक्त जो जोन 2 में भी कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और होटल समेत रो हाउसेस को भी सील किया गया है। एलडीए का कहना है कि शारदा नगर में जो है वो माधुरी पांडे के भूखंड पर अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने ये कॉम्प्लेक्स जो है निर्माण कराया था, जिसमें आरबीएम बैंक्वेट हॉल का संचालन किया जा रहा था। इसके अलावा कमला देवी और अन्य के नाम पर कानपुर रोड पर एलडीए कॉलोनी के सेक्टर डी में भी जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा था, उसे भी सील कर दिया गया है। एसबी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कपिल सिंह जो है उनकी जो बिल्डिंग है उसको भी सील किया गया। माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा रखा था। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग शहरों तक फैले प्रॉपर्टी बिजनेस में माफिया की काली कमाई लगी। और खास बात यह कि 2 दर्जन से ज्यादा फर्म उसकी पत्नी शाइस्ता पर भी, उसके रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर। लेकिन शाइस्ता फरारी काट रही, अब ना कोई हिसाब रखने वाला है न मांगने वाला। अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन जो पूरे रियल एस्टेट कारोबार का हिसाब किताब रखती थी, वो भी पिछले 3 महीनों से लगातार फरार चल रही है। ऐसे में इस पूरे कारोबार का हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं बचा है। अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं अली और उमर, इस वक्त वो जेल में बंद हैं, जबकि 2 नाबालिग बेटे इस वक्त बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में जो कारोबार है वो धीरे धीरे बिखरने लगा है, उसका हिसाब किताब कोई नहीं कर रहा है। लिहाजा जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो रियल एस्टेट के कारोबारी थे उन पर भी दबाव धीरे धीरे घटने लगा है, और यही कारण है कि वो भी अब अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ एक तरीके से आवाज बुलंद करने लगे हैं। अतीक का पूरा परिवार बिखर चुका है। अतीक की बीवी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब एसटीएफ से भागती फिर रही।
अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद, दूसरा बेटा नैनी जेल में कैद, तीसरा बेटा असद झांसी मुठभेड़ में मारा जा चुका है, दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के चौथे नाबालिग बेटे के भी शामिल होने के सबूत मिले। नाबालिग बेटे पर ही आरोप है तो उसने शूटरों के लिए आईफोन के फेस टाइप की आईडी बनाई थी। अब तो अतीक का पूरा कुनबा ही आरोपी बनने वाला है, लेकिन अतीक गैंग की गॉड मदर शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए सबसे बड़ी तलाश जारी। 3 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यूपी से लेकर कई राज्यों में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी फेल हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और दूसरे तौर तरीके अभी तक फ्लॉप साबित हुए। तमाम दावों और एक्शन के बावजूद शाइस्ता अभी तक एक अबूझ पहेली साबित हुई। मगर अब यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी भी कह चुके हैं कि माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता और उसके गुर्गे गुड्डो मुस्लिम की गिरफ्तारी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। सिर्फ माफिया अतीक की फैमिली के सितारे ही गर्दिश में नहीं है, अतीक की काली कमाई को रियल एस्टेट में खपाने वाले बिल्डर से लेकर दूसरे कारोबारियों पर भी ग्रहण मंडराने लगा। जिनके नाम पर अतीक ने बेनामी संपत्तियां खड़ी की वो भी रडार पर। दरअसल अतीक अहमद की कमाई का जो बड़ा हिस्सा था वो रियल एस्टेट के कारोबार से आता था। 2 दर्जन से अधिक फर्म और कंपनियां उसकी पत्नी साइस्ता परवीन, इसके साथ ही जो उसके करीबी रिश्तेदार थे उनके नाम पर थे। इसके साथ ही शहर के जो नामचीन बिल्डर थे, जो कारोबारी थे, उनसे भी अतीक अहमद के गहरे रिश्ते थे। लेकिन इस बीच जब असद का एनकाउंटर हो चुका और इसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो गई तो धीरे धीरे ये पूरा जो कारोबार है वो डूबने लगा है। जैसे ही अतीक अहमद का कारोबार डूब रहा है, ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो ईडी के निशाने पर है। ईडी ने इन जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच करनी शुरू कर दी और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ईडी अपने साथ अटैच भी कर सकती है। रियल एस्टेट में लगी अतीक के अरबों रुपए की काली कमाई भी डूबने वाली है। अतीक से जुड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनकम टैक्स समेत दूसरी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। माफिया के कई रिश्तेदार और सहयोगियों से प्रॉपर्टी का हिसाब मांगने की तैयारी है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम, बैंक खातों में जमा रकम और अलग अलग कंपनियों के जरिए किए गए ट्रांजेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। पिछले महीने ही अतीक से जुड़े 10 लोगों की अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई थी। नकदी और प्रॉपर्टी से जुड़े सेल डील, फर्जी कंपनी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे। जिनकी जांच की गई तो खुलासा हुआ कि माफिया अतीक के दम पर कई लोगों ने रियल एस्टेट का कारोबार बड़े पैमाने पर फैलाया है। 15 अप्रैल को अतीक के आतंक के 40 साल पुराने अध्याय का खौफनाक अंत हुआ था। तब से अतीक गैंग और माफिया फैमिली को लेकर खुलासों की किस्तें लगातार आती जा रही। खुलासों की इन किस्तों में अतीक के अकूत प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी खबर आई। गौर से सुनो। प्रयागराज के रहने वाले शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम की कंपनी शाइन सिटी में अतीक और अशरफ ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इस पैसे से शाइन सिटी के नाम से कई प्रोजेक्ट देश और विदेश में शुरू किए गए। बिल्डर ने विदेशों में करीब 66,000 करोड़ रुपए खपाए थे। इनमें से 33,000 करोड़ रुपए अतीक अहमद ने लगाए। खबर ये भी है कि राशिद ने अतीक के पैसे दुबई के साथ साथ लंदन में भी लगाए, वो भी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के एड्रेस। लेकिन राशिद नसीम सिर्फ मोहरा था, असली चेहरा तो अतीक अहमद था। लंदन में कई इमारतें प्रॉपर्टीज राशिद नसीम ने खरीदी हैं। 5 लाख का इनामिया राशिद नसीम भी है। 4 एजेंसी जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, SFUI जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है। इसके अलावा जो ईडी है वो भी जांच कर रही है। 4 मामलों में लखनऊ में उसने बड़ा घोटाला किया, जमीनें खरीदी, लोगों को प्लॉट नहीं दिए, किसान परेशान है जिससे जमीन खरीदी उसे पूरा पैसा नहीं मिला। प्रयागराज में भी ऐसा ही हाल है, लेकिन कहां फरार हो गया राशिद नसीम, दुबई। दुबई में चर्चा है कि वो आराम से रह रहा है, लेकिन छोटा भाई सलाखों के पीछे है। अब एक एक करके सच बाहर आने को है। एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल में जुट गई हैं कि अतीक अहमद ने कितना और कैसे कैसे करके पैसा राशिद नसीम को दिया था और उसका कैसा इस्तेमाल किया गया, ये सारी जानकारी एजेंसियां जुटा रही हैं। सौलत हनीफ खान ने यह जानकारी दी है कि राशिद नसीम के पास अतीक का पैसा है। उस पैसे का इस्तेमाल राशिद नसीम ने विदेशों में रकम को खपाने के लिए किया, विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया। कहा जा रहा है कि सिर्फ दुबई नहीं, नेपाल से लेकर लंदन तक अतीक के गुर्गे राशिद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग। ऐसे में सवाल ये भी है,
कहीं शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को राशिद के जरिए फरारी काटने के लिए आर्थिक सपोर्ट तो नहीं मिल रहा। वैसे भी शाइस्ता ने 27 साल तक अतीक से जुर्म का पाठ पढ़ा और वह इतनी शातिर हो गई है कि जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ती जा रही है। शाइस्ता भले ही पुलिस को चकमा देकर भागती फिर रही है, लेकिन खबर यह भी है कि उसका परिवार बिखरा तो अतीक के वफादार रहे बिजनेस पार्टनर भी अब दगा देने लगे। इसी कड़ी में पहला नाम मोहम्मद मुस्लिम का आया है, जिसके बैंक्वेट हॉल को लखनऊ में सील किया गया है। अतीक गैंग से जुड़े ऐसे कई कारोबारियों की लिस्ट ईडी और एसटीएफ के पास मौजूद है और उन पर भी जल्द ही गाज गिरने वाली है। जहां तक अतीक की काली कमाई के साम्राज्य की बात है, अभी उसकी कुल नामी बेनामी संपत्ति के 15,000 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन नई जानकारी सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि अतीक इससे 2 गुना 3 गुना संपत्ति का मालिक था। इसीलिए अतीक के पुराने वफादारों की दगाबाजी को देखते हुए शाइस्ता इन संपत्तियों पर काबिज होने के लिए हाथ पांव मार रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि फरारी के दौरान ही वो अतीक के कई प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा चुकी है। यहां तक कि फरारी में भी शाइस्ता IS-227 गैंग को लीड कर रही है, अपने साथ हर वक्त शूटर रख रही है और एक सीक्रेट ठिकाने से गैंग को ऑपरेट कर रही है। यूपी पुलिस की उम्मीद से आगे शाइस्ता इतनी शातिर है कि उसने कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। यूपी पुलिस का भी मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। फिलहाल यूपी पुलिस शाइस्ता पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है, लेकिन शाइस्ता को इसकी परवाह नहीं, वो तो बस अतीक के आतंक को जिंदा रखना चाहती है। हाल के दिनों में प्रयागराज में गोलीबारी और रंगदारी से जुड़े वारदात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यूपी एसएफ अब अतीक के फरार शूटर्स गुड्डू मुस्लिम साबिर और रहमान के साथ ही शाइस्ता को कोई मौका देने के मूड में नहीं। दरअसल पिछले कुछ समय से इस टीम के सदस्य न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से इन भगोड़ों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अब एसटीएफ सरगर्मी से इनको दबोचने में जुटी है। और अब ऐसा हुआ है कि क्राइम क्वीन शाइस्ता के गुनाहों का चैप्टर ही नहीं, बल्कि उसके गुर्गो गुड्डू बमबाज साबिर और अरमान का चैप्टर भी जल्द क्लोज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।